कोपावर्ड बाय केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। नमस्कार, जी हिंदुस्तान के खास चुनावी कार्यक्रम चाय चाट चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवध का बेटा मकसूद खान। देखिए, 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के पांचवें दौर की वोटिंग होनी है और रामनगरी अयोध्या जनपद अयोध्या में भी पांचवें दौर में ही वोटिंग होगी। तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस चुनावी माहौल में अयोध्या के मुद्दे क्या है, 27 तारीख को वोट करेंगे, मुद्दे क्या है? मुद्दे ये है कि योगी जी हमारे जो भी किए हैं ठीक किए हैं और आगे ठीक करेंगे। मुद्दा ये योगी जी हमारे आ रहे हैं वापस, बस। बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम सबको साथ लेके चला, गरीब से लेके अमीर से लेके सबको साथ लेके चला है। गरीबों को राशन मिल रहे हैं, बाकी जो भी होना योजनाएं हैं सबको एक समान मिल रहा है, छोटा हो या बड़ा हो, हिंदू या मुस्लिम हो, सबको मिल रहा है, यही फर्क है। आप कह रहे हैं योगी जी बहुत काम कर रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उन्होंने तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सर मैं ये है क्या, जितनी गंदगी बाहर से आई हुई थी अब इस बार निकल जाएगी, जो अच्छे हैं वही बचेंगे। अच्छा, तो वो 2017 में जब आ गए थे तब गंदगी नहीं थी, था माहौल उस टाइम, आ गए थे। ये लोग ऐसे हैं जहाँ देखते हैं फायदा, जहाँ फायदा देखते हैं वहाँ चले जाते हैं, जहाँ देखे थोड़ा मुझे मेरा फायदा नहीं हो रहा है वो निकल गए। तो अब जो लोग आ रहे हैं आप बताइए वोट तो अखिलेश को गवर्नमेंट चाहते हैं, उनकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अखिलेश की गवर्नमेंट क्यों चाहते हैं? तो क्यों चाहते हैं कि हम जुड़े हुए हैं पार्टी से, इसलिए चाह रहे हैं। अच्छा, तो 5 साल में ऐसा क्या नहीं किया योगी सरकार ने? योगी सरकार ने किया क्या है? अच्छा, कुछ भी नहीं किया मेरे हिसाब से, तो कुछ भी नहीं। बताएं भैया, 27 फरवरी को वोटिंग होने जा रही है, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे कुछ नहीं रहेंगे, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे अयोध्या में फिर, और भारतीय जनता पार्टी 300 के पार जाएगी। और रह गई क्षेत्रीय विधायकों की, तो जो जिनके अंदर कमी है, जिनको जनता लाइक नहीं कर रही, उनका टिकट काटा जाए, उनके अलावा अलग टिकट दिया जाए विधायकों को। तो डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, बहुत माफी। चुनाव आ रहा है, तारीखों का ऐलान हो गया, अब वोटिंग भी होगी, तो बताइए मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, पहला मुद्दा विकास और बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। जमीन पर कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया, जो भी किया गया सिर्फ जुमले में किया गया और नेटवर्क में किया गया। अब बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, इसी मुद्दे पर चुनाव होगा। धर्म एक अलग चीज है, विकास और बेरोजगारी अलग चीज है। धर्म मेन मुद्दा नहीं, जो भी हम करेंगे विकास और बेरोजगारी पे करेंगे। योगी जी 80 और 20 की बात भी कर रहे हैं, जो 20% विरोधी हैं, तो देखिए कौन को ना आ रहा है 80-20 में? जोगी जी की बात को आप छोड़ दीजिए, जोगी जी को हर हफ्ते सिर्फ भगवान राम दिखाई देते हैं और कोई दिखता नहीं है। उनके लिए पूरा प्रदेश न किया जो अयोध्या है, विकास एक भी जो भी जी को सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं वो एक अलग चीज, वो उनके धर्म गुरु है, अखिलेश जी के धर्म गुरु है कृष्ण जी, इसलिए वो आ रहे हैं। ये तो भाई जो जिसको मानता है वो उसके सपने में आता है। मतलब मुद्दे रहेंगे। चले बाकी लोगों से भी बात करेंगे। बताइए भाई, चुनाव 27 फरवरी को वोटिंग हो रही है, बताइए। बस सिर्फ इतना कहना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, तो बताइए जरा दो चार काम बता दीजिए, क्या क्या किया सरकार ने? जो अभी तक कभी नहीं हुआ था वो हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री राम का मंदिर आज यहाँ हजारों वर्षों के हिंदुओं के इंतजार के बाद यहाँ पर वहाँ मंदिर बन रहा है, हम लोग के लिए सबसे बड़ी। कोर्ट के फैसले से बना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसका ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इसके पहले था नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी था, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी के हाथों में ही ये कार्य लिखा हुआ था, शायद उनके आने के बाद ही ये कार्य संभव हुआ है। बहुत बढ़िया, बताइए भाई साहब, चुनाव आ रहा है, बताइए जरा किन मुद्दों पर होगा चुनाव? चुनाव किन मुद्दों पे होगा? ये शिक्षा पे होगा और बेरोजगारी पे है और महंगाई पे है, और इस बार तो माहौल तो आपको पता ही है किसका है। बताइए, हम तो माहौल जानने आए, आप बताइए माहौल। माहौल तो इस बार भाजपा का नहीं लग रहा है। अच्छा, मुश्किल है? मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि मैं भी बेरोजगार हूँ। अच्छा, तो आपके लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। देख रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं रोजगार के बारे में, कुछ नहीं हो रहा है। और सब कहते हैं राम मंदिर बनवा दिए। राम मंदिर सरकार ने बनवाया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है? अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और ये बनवाए हैं तो सुप्रीम कोर्ट माने कुछ नहीं है, सरकार के अधीन है क्या सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, बताइए
27 फरवरी को वोटिंग हो रही है, अच्छी बात है। किन मुद्दों पर वोट करेगी रामनगरी? रामनगरी मेन तो रामराज, अभी जो हमारा जो राम मंदिर का जो हो रहा है निर्माण, ये तो मेन मुद्दा है, ये तो रहेगा ही। ठीक है, हमें लगता है योगी जी थोड़ा धीरे बनवा रहे हैं, इसको थोड़ा फास्ट करवाएं, इसलिए हम उनको अगली बार फिर लेके आएंगे कि थोड़ा जल्दी से बने थोड़ा राम मंदिर हमारा। बताइए भाई साहब, चुनाव आ चुका, आपको तारीखों का ऐलान हो चुका जी, बताइए वोटर हैं आप भी, वोट करेंगे? सर मैं सर की बात से बिल्कुल अग्री हूँ, हम भी यही चाहेंगे योगी जी फिर से आए, राम मंदिर और तेजी से बने, और जो है अयोध्या नगरी अभी तो थोड़ा सा कम है, इसके अलावा और भी हाईटेक हो। यहाँ तो फिर 27 फरवरी को होगी वोटिंग पांचवें दौर की, जी जी। बताइए किन मुद्दों पर करेंगे वोट? बेरोजगारी। बेरोजगारी जी, बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, बहुत बड़ा मुद्दा जी जी। तो कौन वादा कर रहा है फिर रोजगार देने का? अखिलेश जी कर रहे हैं, शायद उन्हीं की सरकार बनने वाली है, समाजवादी सरकार जी। मुद्दे यहाँ पर चूंकि सिविल लाइन का चौराहा है, हर तरह के लोगों का उठना बैठना है, किस तरह की बातें करते हैं लोग चुनाव को लेकर? योगी जी के भी चुनाव लड़ने की अटकलें बताइए जरा, आप भी बताएं कुछ अपनी बात। जो भी यहाँ से चुनाव लड़ेगा, मतलब चाहे योगी जी हो चाहे कोई भाजपा कार्यकर्ता हो, वो जीतेगा राम मंदिर की वजह से, और राम मंदिर ही इसमें मुद्दा रहेगा, क्योंकि भाजपा ने ही राम मंदिर बनवाया है, हम भी राम भक्त हैं, हम भी भाजपा को वोट देंगे। अच्छा, आप भी राम भक्त हैं, बाकी लोगों से भी बात करेंगे, चले लगातार। हाँ जी बताइए, चुनाव आ गया आप तो सर पर, क्या तैयारी? अरे सर ये बीजेपी को जिताना है, यही तैयारी है हमारी। अच्छा, हाँ सर, तो क्या कर दिया बीजेपी ने? अरे सर ये बीजेपी हमारे लिए अब फ्री में राशन सब कुछ फ्री कर रही है, सड़क बढ़िया बढ़िया बनवा रही है, सब कुछ अच्छे अच्छे कार्य कर रही है, हमको बीजेपी को ही जिताना और किसी को नहीं। अच्छा बीजेपी को ही, अच्छा यहाँ तो एकदम क्लियर है मामला। चुनावी माहौल को हम देख रहे हैं, क्या माहौल, क्या मुद्दे, अब तो चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया। मुद्दे क्या है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है नौजवानों की बेरोजगारी और महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो भी चीजें हैं ये महंगाई से बहुत बड़ी प्रभावित हो रही हैं और बेरोजगारी, और यहाँ पर जो है नौजवानों को अखिलेश यादव से आस लग रही है कि अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी तभी रोजगार और व्यापार और अमन चैन ये बढ़ेगा। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर भी मुद्दा रहेगा, यानी कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था भी बढ़िया रहेगी। लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी ने कानून व्यवस्था में बहुत बदलाव किया, बहुत सुधर गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कैसे समझाइए आप, देख लिए जहाँ भी है निर्दोषों को जेल में डाल रहे हैं और दोषी जो है वो सड़क पर मौज कर रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, बाहुबली की बात कर रहे हैं आप, धनंजय सिंह की जी, वीडियो वायरल हुआ था उनका, लेकिन बाकी तमाम तो हैं सलाखों के पीछे, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद हो, इनके जो विशेष लोग हैं वो सब टहल रहे हैं। अच्छा, वो बाबा के लिए टहल रहे हैं, बाबा के समर्थन में टहल रहे हैं, तो कहाँ से कानून व्यवस्था लाइन ठीक है। बताइए भाई साहब, अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, माहौल क्या चल रहा है, मुद्दे क्या चल रहे हैं चुनावों को लेकर? सब तरफ बाबा ही बाबा हैं, बाबा को हम लोग चाहते भी आए हमारे एरिया में, विधायक बने हम लोग की इच्छा भी है भाई, ऐसे आदमी को उनका परिवार तो है नहीं, वो जनता के ही बारे में सोचेंगे, परिवार वाला परिवार के बारे में सोचता है, बाबा तो जनता के बारे में, उन्होंने मंदिर बनवाया, बन रहा है अभी, भगवान राम का कार्य चल रहा है, अयोध्या और चमकेगी, अयोध्या लुप्त होती चली जा रही थी, एक ऐसा लग रहा था हम लोगों को, हम लोग पीछे स्तर में चले जा रहे थे, बाबा हम लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं, अयोध्या को लेकर आ रहे, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी का माहौल है, बाबा आए हमारे एरिया से, इलेक्शन लड़े हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, बाबा जीते हमारे एरिया से। आइए भाई साहब आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, बात करिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, बताइए क्या मुद्दे चल रहे हैं इस वक्त, थोड़ा सा इधर आ जाइए। बाबा जी ने जो भी करवाया, मैंने कई जिला जाके देखा है, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। अच्छा, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। तो उसमें मिर्जापुर में गया, चंदौली देखा, सोनभद्र देखा, और यहाँ मुगलसराय गाजीपुर देखा, तो बाबा का ही चर्चा है, तो की सीट बाबा की निकलेगी। चुनाव पर बात करेंगे, दिल्ली से आए हैं बात करने के लिए, किन मुद्दों पर हो रहा है चुनाव, कौन से मुद्दे प्रभावी रहेंगे? यहाँ तो बस राम मंदिर प्रभावी रहेगा सर। अच्छा जी, यहाँ और कोई मुद्दा है ही नहीं है, भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है इतने वर्षों बाद, सुप्रीम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं कितनी सरकारों ने कुछ किया ही नहीं, हम लोग तो पक्के मोदी जी के समर्थक हैं। ये बहुत अच्छा है कि आपने की मास्क भी लगा रखा है, कोरोना फिर से बढ़ रहा है, बहुत ये अवेयरनेस होनी चाहिए सब में।
क्या मुद्दे चल रहे हैं, माहौल क्या है? एक तरफ चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, नेता पार्टी बदल रहे हैं। देखिए, नेता तो जहां पे भी उनका बेनिफिट मिलेगा वो वहां पे चले जाएंगे, और जो चुनाव में जनता अपना देखेगी कि उसको किस पार्टी से कहां से बेनिफिट मिल रहा है। जहां तक अयोध्या का सवाल है, अयोध्या में राम मंदिर जो इनका मुद्दा था पिछले घोषणा पत्र का, वो इन्होंने पूरा किया हुआ है, और आगे जो गरीबों को आवास दे रहे हैं, बेरोजगार काफी सारा विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, ओवरऑल अगर कहें तो विकास हो रहा है। बताइए, आवास, शौचालय और सबको क्या अन्न भी मिल रहा है पर यूनिट पास के लिए। आओ सुनील, आओ। हाँ पांडे जी, बताइए अपने एरिया में कैसा चल रहा है। बताइए बताइए, पांडे जी भी आ गए हमारे पास, बताइए, आप भी बैठे, तशरीफ रखें, बताइए। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो अब कौन से मुद्दों की ज्यादा चर्चा हो रही है इस बार? रामनगरी अयोध्या किन मुद्दों पर वोट करेगी? हाँ, रामनगरी मंदिर पे ही वोट करेगी। विकास? विकास तो होगा ही। कितना विकास हो गया? अब बहुत हो गया है सरकार में, बहुत विकास हो रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूल व्यवस्था, सब, रोजगार, महंगाई, महंगाई की बात हो रही है। हाँ, महंगाई की बात हो रही है। बताइए, क्या नाम है आपका? सुनील विश्वकर्मा। अच्छा विश्वकर्मा जी, बताइए सुनील जी के, अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, क्या चल रहा है? हाँ, मुद्दा तो अयोध्या का ही चल रहा है, यहाँ पे फैजाबाद में मेन राम मंदिर ही मुद्दा है, जबकि इसमें बेरोजगारी मुद्दा भी होना चाहिए, लेकिन विकास का मुद्दा भी है, लेकिन विकास क्या है तो ये भी जुमला बन गया है। और तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा, चिकित्सा भी है, जैसा कोरोना में तमाम समस्याएं आई थी, लोग देखे भी हैं कि तमाम लोग, काफी लोगों की मृत्यु हुई, फिर कोरोना बढ़ रहा है, अब इसमें तो मेन मुद्दा तो इसमें चिकित्सा ही है। शिक्षा क्या है, कोरोना की वजह से सारे स्कूल कॉलेज तो बंद ही हो जा रहे हैं, वो मुद्दा भी खत्म ही है। तो अयोध्या में तो यही राम मंदिर मुद्दा चल रहा है, और बेरोजगारी का भी मुद्दा होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी भी तमाम परेशान है, लोग सबकी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, ये भी एक विशेष मुद्दा बनना चाहिए। देखिए, सिविल लाइन्स चौराहे पर हम हैं, और ये सबसे व्यस्त चौराहा भी है, सबसे व्यस्त इलाका भी है, और यहाँ पर हर तरह के लोग भी आते हैं, आम आदमी भी आता है, अधिकारी भी आते हैं, कर्मचारी भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। और देखिए, इसी बीच गौ माता भी आ गई, थोड़ा सा बच के। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, जो जानवर खुले में घूम रहे हैं उनसे किसान भी परेशान है, कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं, कई बार हादसे भी होते हैं, और ट्रैफिक को लेकर भी एक समस्या होती है। लेकिन ये आप बताइए, आप ही से शुरू करते हैं, चुनावी माहौल क्या चल रहा है भाई साहब, ये बताइए। चुनावी माहौल जो है, जनता इस समय महंगाई से त्रस्त हो गई है, लेकिन हमारे देश में एक सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा है जो बार बार उठाया जाता है चुनाव के समय। राम मंदिर हमारे आस्था का विषय था, वो सर्वोपरि है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन महंगाई जनता की कमर तोड़ दी है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, आम पब्लिक, नौजवान, सारे किसान, सब लोग परेशान है महंगाई से सिर्फ। और हिंदुस्तान में देखा जाए तो मौजूदा चुनावी परिवेश जो है वो विपक्ष का ना होना साबित करता है, कि विपक्ष ना होना पब्लिक को और डिमोरलाइज करता है, कि दिखाता है कि पब्लिक किसी के विरोध में ना खड़ी हो, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का यही बहुतायत होने का, या सही सारी राज्यों में सरकारें आने का ही, लेकिन आम पब्लिक महंगाई से परेशान है। मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स जो इस वक्त हो रही है, आपका इशारा उस तरफ है, और हाल ही में सीएम योगी का बयान 80 बनाम 20 फीसदी वाला, देखिए वो चुनावी बयान है, और 80-20 का हम कहीं नहीं मानते। हिंदुस्तान की जनता विकास को, अब हिंदुत्व को, और देश के मौके को भुलाना चाहती, कहीं 80-20 का, जहां मेजोरिटेरियन की बात आती, फॉरवर्ड की बात आती, कोई भी पार्टी फॉरवर्ड के फेवर में नहीं खड़ी होती, सब अब उसी लॉबी पे काम कर रहे हैं, सब चुनाव के समय इनको अपने हिंदुत्व याद आता है, इनको फॉरवर्ड याद आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सारी पार्टियों में, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई इस फेवर में नहीं खड़ा होता कि सवर्ण कहाँ जाए, चाहे उनकी रिजर्वेशन में प्रमोशन की बात हुई हो, चाहे मेडिकल में सीटें देने की बात हुई हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां फॉरवर्ड के चुनाव के समय इनको याद आता है सारी पार्टियों को। चुनाव के वक्त में अगड़ा बनाम पिछड़ा हो जाता है, बाद में सब चीजें अलग हो जाती है। बताइए, आप थोड़ा इस तरह बजाइए तो वो ऑपोजिट सन नहीं रहेंगे, चेहरा आपका क्लियर मिलेगा। हाँ बोलिए जी, बताइए। अरे, क्या मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं चुनावों में, कौन से मुद्दे प्रभावी आप देख रहे हैं? मुद्दे तो बीजेपी वाला हिंदुत्व तो ही चल रहा है उसमें, उस मंदिर ही, अगर किसी का भी उद्बोधन होता है अगर मंच से, तो सिर्फ वही कि जय श्री राम, और मंदिर हम बनवा रहे हैं, गोली किसने चलवाई, किस पे चलवाई, इसके अलावा जिसे आम जनमानस परेशान है महंगाई पे, जैसे भैया ने बताया, पेट्रोल हुआ, गैस हुई, और ये दैनिक उपयोगी चीजें हुई, सरसों तेल,
इसने बहुत ज्यादा मतलब परेशान कर दिया हम जनमानस को, तो इसका कभी मुद्दा ही भाजपा नहीं उठाती है। जनता से जुड़े मुद्दों की बात कम हो रही है। बस आस्था का केंद्र राम मंदिर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम भी उनका धन्यवाद कहते हैं, लेकिन महंगाई पे भी उनको कुछ न कुछ करना चाहिए। ठीक है, बताइए, चुनाव आ गया सर पर, 27 फरवरी को वोटिंग है। हाँ, तो बीजेपी को वोट दिया जाएगा। बीजेपी ने भाई वोट किन मुद्दों को ध्यान में रखकर करेंगे? देखिए, वोट तो होगा हिंदुत्व पर। इसके पीछे कारण यह है कि जो है सपा सरकार थी, उसके बाद उसके पहले बसपा थी, तो उन लोगों का केवल देखा जाए तो पूर्वांचल छोड़ पश्चिमांचल में ही ज्यादा वो लोग काम किए, इधर तो कोई काम ही नहीं किए तो लोग। आज बीजेपी आई है तो कम से कम यहाँ जो है कुछ काम तो स्टार्ट हुआ है, जो भी है स्टार्टिंग पीरियड जो भी कह रहे हैं कर तो रहे हैं, लेकिन कभी भी इसके पहले वही सफाई वही इटावा, उसके सिवा कहीं काम नहीं हुआ। तो अब जो है बीजेपी का जो मेन पूर्वांचल जो क्षेत्र है उस पर बीजेपी का फोकस है, इसलिए जो पूर्वांचल वासी हैं वो प्रयास करें कि मोदी एक बार मोदी योगी सरकार फिर से जो है दोबारा यहाँ बने और ज्यादा हो, विकास ज्यादा हो, डबल इंजन वाली सरकार मोदी और योगी कर रहे हैं। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, मुद्दे कौन से इस वक्त चर्चा में है और किन मुद्दों पर बात नहीं हो रही और किन पर बात होनी चाहिए? बात होनी चाहिए जो है बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए। अभी तो मुद्दा तो है धर्म का है, अगड़ों पिछड़ों का है, दलितों का, बस यही मुद्दे चल रहे हैं, जातिवाद की राजनीति चल रही है इस समय। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बताइए महाराज। नाम बताइए सबसे पहले आप। अरुण कुमार त्रिपाठी, हम अयोध्या के निवासी हैं। त्रिपाठी जी बताएं। 8वां पुस्त है मेरा। मैं केवल एक ही बात इनसे पूछना चाहता हूँ कि जितने अयोध्या में मंदिर है सब ट्रस्ट है, ट्रस्ट का ये ऑडिट होता है, क्या ये भी जवाब देंगे कि जो मंदिर की संपत्ति बेच रहे हैं वो क्या हिसाब में है, और जो दुकानें 5-5 लाख रुपया पगड़ी ले रहे हैं किराया तो वो हिसाब में देते हैं, और पगड़ी का पैसा किस खाते में वो दे रहे हैं, क्यों नहीं इन महंतों के ऊपर जो किया जाता है। 400-400 वर्ष के पुराने मंदिर हैं, आज उसके उस जमीन के मालिक कैसे तीसरे निकल करके बेच रहे हैं, क्या वो 400 बरस से जो मंदिर बना हुआ मालिक जो उसके हैं वो नकारा है। पूरी भ्रष्टता जो है इस वक्त गूंज रही है, लेखपाल तहसीलदार जो संविधान लिख रहे हैं, मतलब भ्रष्टाचार भी मुद्दा, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है अयोध्या में, लेकिन इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सब राम जी की बात कर रहे हैं। राम जी की बात कर रहे हैं। देखिए, हिंदू धर्म की अगर आप बात करते हैं तो राम के लिए छत बनवाएंगे तो क्या राम छत में रहेंगे? आपकी इतनी औकात है? राम को आप भोजन देंगे तब जब जो है भगवान डंडा डाल देते हैं तो आप क्यों कहते हैं कि हे भगवान हमारे कल्याण करो? क्यों आप कहते हैं? बहुत बढ़िया त्रिपाठी जी, देखिए हम केवल एक ही बात जानते हैं, हिंदू धर्म को नाश मत कीजिए आप, भगवान आपके गुलाम नहीं है, हम भगवान के गुलाम हैं, भगवान सबके हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, क्या हनुमानगढ़ी पे क्या सिख नहीं जाते हैं या मुसलमान नहीं जाते हैं? अयोध्या में जितने भी मंदिर हैं, कौन सा मंदिर ऐसा है जिसमें मुसलमान नौकरी नहीं करते थे और अपने बच्चों को पालते नहीं थे? तब हिंदू मुसलमान का कहाँ चक्कर था? अरे हिंदू हिंदू में क्या यह लिखा हुआ है कि आप सबको जो है शमशान में पहुंचा दीजिए? हिंदू धर्म तो एक ऐसा धर्म सर्वोपरि धर्म है कि वो छाया का भाव क्षमा का भाव है, वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी हमसे बात करने के लिए। बताइए आप भी बात करिए, वाइंड अप कर रहे हैं फिर। चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है, तारीखों का ऐलान हो चुका, किन मुद्दों को आप ज्यादा देख रहे हैं जिन पर लोग बात कर रहे हैं और किन मुद्दों पर वोट होगा? भैया मुद्दा तो वही है विकास का ही, और विकास हम लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन समस्या ये है कि हम लोग तो कट्टर बीजेपी वाले, लेकिन समस्या है कि हमको राशन तो चाहिए नहीं, चाहिए हमको अच्छी सड़कें, चाहिए हमको अच्छी सुविधाएं, कम से कम जिस मार्केट में रहते हैं वहाँ एक हमको टॉयलेट मिले, वहाँ हमको एक बढ़िया वॉशरूम मिले, कम से कम ये एक मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, एक हमको अच्छी पार्किंग मिले। देखिए मेरी गाड़ी वहाँ एकदम रोड पे पार्क है, अभी अभी आएंगे पुलिस वाले चालान कर देंगे, लेकिन गाड़ी हम कहाँ खड़ी करें? हमारी तो समस्या यही है ना,
हमको राशन थोड़ी ना चाहिए। ठीक है पेट्रोल भी हम बियर कर रहे हैं, लेकिन हमको ये जो जेन्युइन जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो मार्केट है जिसे हम करते हैं बेसिक एमिनिटी, उससे उसमें गवर्नमेंट का, उसमें मुख्यमंत्री का नहीं, लेकिन कम से कम जैसे हम लोगों का एक रिव्यू होना चाहिए, इन लोगों का एक रिव्यू होना चाहिए जो यहाँ के उनके पदाधिकारी हैं, जैसे वो चाहे वो उनके मंत्री हों, विधायक हों, पार्षद हों या हमारे महापौर जी हों, तो इन सब चीजों को उनको देखना चाहिए कि एटलीस्ट जो सामान्य आदमी है उसको मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। कोई जरूरी नहीं है हमको राशन दीजिए, भाई हमको राशन नहीं चाहिए मत दीजिए आप राशन। बहुत से ऐसे मुद्दे जिसको लेकर बात हो रही है, और 27 फरवरी को अयोध्या भी वोट करेगी इस विधानसभा चुनावों में, आप भी वोट जरूर करें। वोट न सिर्फ आपका अधिकार है बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ मकसूद खान, रामनगरी अयोध्या से जी मीडिया के लिए।